तो गाइस अभी हमारा हॉस्पिटल में आते ही पोपट हो गया। आज हमारा ना चेकअप होगा ना कुछ होगा, वापस हमको घर जाना पड़ रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, और नहाने के बाद सबसे पहला काम होता है मंदिर जाना। तो मैं अभी मंदिर जा रहा हूँ और मिलता हूँ। तो अभी मैं ऐसे चलूँगा, और अभी घर के मंदिर की पूजा करनी है, उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे, और आज हमको कहीं जाना भी है, तो मिलता हूँ मैं आपको। तो गाइस मैं तो रेडी हो चुका हूँ, मैंने कॉलेज की ड्रेस ही पहनी है क्योंकि तो मुझे हॉस्पिटल से डायरेक्ट कॉलेज के लिए निकलना है। जा रहे हैं, अभी बाइक थोड़ी गंदी है, उसको थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं इसकी। पहले प्लान था बाइक से जाने का, अब जाएंगे स्कूटी से, इसको वापस अंदर पार्क करनी पड़ेगी। तो फिर इस स्कूटी को तो बाहर निकाल लिया, मैं इंतजार कर रहा हूँ मेरी बहन का, क्योंकि वो भी हॉस्पिटल साथ चलेगी। उसके बाद वो हॉस्पिटल से घर आ जाएगी और मैं जाऊँगा कॉलेज। तो देखते हैं कब तक आती है वो। गाय को तो रोटी दे दिया, तो चलते हैं। तो गाइस इसकी इतनी मतली बस ये गली गलियों में से आज तक लाई है मैंने देश तक, और अब मुझे दे रही है स्कूटी। इसको इतना ही चलाना आती है, यहाँ तक भी गली गलियों में लाई है ये। अब मैं गाइस वापिस स्कूटी ले लिया, इसने बोल रही है कि मैं चलाऊंगी। अब देखते हैं कैसी चलाती है हाईवे पे। तो गाइस फाइनली हम हॉस्पिटल तो पहुंच चुके हैं, और स्कूटी पार्क कर दी है, अब चलते हैं अंदर। तो गाइस अभी हमारा हॉस्पिटल में आते ही पोपट हो गया, आज हमारा ना चेकअप होगा ना कुछ होगा, वापिस हमको घर जाना पड़ रहा है क्योंकि ध्यान नहीं रखती। ऐसे ही एक दिन और लिया ही और आज भी लिया ही, अब वापस अब इसको छोड़ना पड़ेगा ना पड़ेगा बस स्टॉप पे, और मैं जाऊंगा फिर कॉलेज के लिए। तो चलते हैं फिर। तो गाइस यहाँ पे गुलाब के फूल खिल रहे, तो ये बोल रहे हैं कि मेरी फ़ोटो क्लिक कर दे, तो मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करता हूँ, फिर मैं कॉलेज के लिए निकलूँगा। तो गाइस इसको तो छोड़ दिया बस स्टॉप पे, और अब मैं जा रहा हूँ कॉलेज के लिए। तो गाइस मैं कॉलेज तो पहुँच गया था, कॉलेज से एग्जाम देके आ भी चुका हूँ, मैं अभी दोस्त के पीजी पे आया हूँ, यहाँ से मुझे बुक लेनी है और फिर मैं निकलूँगा घर के लिए। तो गाइस मैं दोस्त के पीजी से बुक लेके तो आ गया था, मैं घर जा रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली कॉल आया दोस्त का कि मूवी देखने चलते हैं, तो मैं स्कूटी को पार्किंग में लगा के मूवी देखने जा रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपको सीधा सिनेमा हॉल में। गाइस मैं अभी आईनॉक्स आया हूँ हरारा मूवी देखने, मेरे फ्रेंड्स सब अंदर चले गए, कल उन्होंने मेरा टिकट ले लिया, अभी उनको बाहर बुलाऊंगा एक तो वो मेरा टिकट लेगा, और फिर मैं अंदर मूवी देखने के लिए जाऊँगा। यारा देखो गाइस जिसने मेरा टिकट नहीं लिया पहले ले लेता ये, अब लेने आया हूँ अभी। फाइनली गाइस टिकट मिल रहा है, वो टिकट ले रहा है पीछे, फिर अंदर मूवी देखने के लिए जाता हूँ, मूवी स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस फाइनली अंदर एंट्री मिल गई है, और मैं मूवी देख रहा हूँ। मैं एक ही सीट
भाई मूवी तो देख लिया है और सबसे पूछूंगा कैसी लगी उनको मूवी, मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। तो गाइस अभी मूवी देख के आ गया है और अब जा रहे हैं वापस कॉलेज। हमारा ड्राइवर आशीष, मैं नहीं जानता, ये पंकज कैब और तन्या भैया, बैठा ही नहीं था गाड़ी में। तन्या भैया नहीं बैठे थे क्या? हाँ जी बता, सच्ची बता कैसी लगी मूवी? तुझे इनके इनके एक्सपीरियंस से बताया जा रहा है, मतलब कि राजेश सर की। तो भाई मूवी देख के तो आ गए थे और अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, तो अभी मैं मिलता हूँ आपको सीधा घर पे। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुँच गया हूँ और मैंने चेंज भी कर लिया है। आज मैं स्कूटी से गया था, मैं बहुत परेशान हो गया इससे, इससे इतनी दूर से आने में ऐसा लगा बस रेस रेस देने से परेशान हो गया। इससे अच्छा अपनी ये बाइक है, बाइक से ही जाया करेंगे, और स्कूटी से बढ़िया अपनी बाइक है, बाइक से ही जाया करेंगे कॉलेज के लिए। तो अभी तो मैं पार्क में जा रहा हूँ थोड़ा घूमने के लिए, तो मिलता हूँ मैं पार्क में। तो गाइस मैं पार्क में तो चले गया था बट मैंने वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अभी मैं मंदिर आया हूँ, मंदिर में पूजा करने के लिए, तो मैं मिलता हूँ आपको पूजा करने के बाद। तो गाइस मंदिर जाने के बाद अब मैं घर जा रहा हूँ और इस ब्लॉग पे यहीं से समाप्त करते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय। Right video.